सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आपने देखा होगा कि पार्ट वन में मैंने कुछ इतना कंप्लीट किया था, तो आज हम शेडिंग करेंगे और इसको भी नॉर्मली ऐसे ही सेट करना है और इतना पूरा पार्ट हमें करना है। डार्क एरिया है वहाँ पर डार्क शेड करना है और जहाँ पर लाइट एरिया है वहाँ पर लाइट शेड करना है, जो कि मैंने 2B पेंसिल से प्रॉपर कम्प्लीट किया है। तो इसको ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे और मैंने यहाँ पे थोड़ी सी हाईलाइट दी है। शेडिंग हो जाने के बाद हम ब्लेंडिंग भी करेंगे, जो कि ब्रश से करनी है। तो यहाँ पे डार्क एरिया है, इसके लिए मैंने डार्क शेड किया है, जो कि हम मैंने 2B पेंसिल से ही किया है। और उसके बाद हम थोड़ा सा चारकोल से थोड़ा सा शेड करेंगे। शेडिंग को मैंने कुछ ऐसे कंप्लीट किया है और उसके बाद हम ब्लेंडिंग भी करेंगे, ब्रश से करेंगे। ब्लेंडिंग हमें बहुत डार्क नहीं करनी थी, थोड़ी सी लाइट ही करनी थी। तो उसके बाद मैंने HB पेंसिल से थोड़ा सा डार्क किया है। आपकी शेडिंग ख़राब ना हो जाए इसके लिए आप ऐसे बेज का भी यूज़ कर सकते हो, जो कि मैंने ऐसे ही रखा है। तो यहाँ पे अब हमें चारकोल से डार्क करना है, जो कि नॉर्मल वाली पेंसिल है चारकोल की। तो उसको ऐसे जो कि लेयर है वो अभी हमें देनी है, तो उसको भी डार्क करेंगे। और यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा सा हाईलाइट किया है इरेजर से और उसके बाद मैंने थोड़ी सी ब्लेंडिंग की है। तो ऐसे हमें कंटिन्यू रखना है और इधर नोज़ भी है, तो नोज़ को भी थोड़ा सा शेड करेंगे, जो कि मैंने कुछ ऐसे किया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डार्क एरिया है, जो कि मैंने ज़ूम करके आपको दिखाया है। ज़ूम किया है क्योंकि आपको अच्छे से दिखे कि मैंने कैसे कंप्लीट की है पूरी शेडिंग। तो शेडिंग को मैंने कुछ ऐसे ही किया है। तो आपको शेडिंग ऐसे बहुत डार्क और बहुत ही फास्ट नहीं करनी है, नॉर्मली ऐसे ही करनी है। नोज़ को मैं प्रॉपर कैसे कंप्लीट करती हूँ वो आप देखते जाओ, जो कि मैंने ऐसे ड्रॉ किया है। तो इसको ऐसे ही कंटिन्यू रखना है और इसके साइड हमने ऐसे थोड़ी सी शेडिंग भी करनी है, जो कि मैं इस वाले पार्ट से कर रही हूँ। तो इसको भी हम पहले 2B पेंसिल से ही करेंगे, उसके बाद हम HB पेंसिल से थोड़ा सा डार्क करेंगे। तो ऐसे ही ड्रॉ करना है। तो आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बटन।